हैप्पी किड्स क्लिनिक बच्चों का अस्पताल एवं टीकाकरण केंद्र डॉक्टर रोहित जैन मानस भवन के पास दमोह। RMS मल्टीपल शॉपिंग कंपनी राहुल राखियां फैंसी राखियों के विक्रेता एवं निर्माता बैंक ऑफ बड़ौदा शुभारंभ शोरूम के बाजू से सत्कार होटल के पास दमोह। कांग्रेस विधायक की अगुवाई में दमोह में एक साइकिल यात्रा निकाली गई और इस यात्रा के माध्यम से पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुई वृद्धि का विरोध भी किया गया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारियों की मौजूदगी रही और सभी लोग साइकिल पर सवार होकर निकले। दमोह के एकमात्र कांग्रेस विधायक राहुल सिंह की अगुवाई में जिला कांग्रेस कमेटी के समर्थन पर युवा कांग्रेस के द्वारा पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में एक साइकिल यात्रा निकाली गई। जिला कांग्रेस कार्यालय से शुरू हुई यात्रा नगर के प्रमुख चौराहों से होते हुए अस्पताल चौराहा पहुंची, जहां पर साइकिल यात्रा का समापन किया गया। इसके साथ ही यहीं पर पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने के लिए ज्ञापन भी सौंपा गया। वहीं युवा कांग्रेस के द्वारा चोरी छुप करके एक पुतला दहन भी किया गया। इस दौरान कांग्रेस विधायक ने कहा कि लगातार बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों के कारण आम जनता परेशान है और इसी कारण से वे लोग विरोध कर रहे हैं। यदि कीमत कम नहीं की गई तो इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जी बिल्कुल, एक तरफ पूरा भारत कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, जहां पे आर्थिक मंदी है, और मध्य प्रदेश की हॉर्स ट्रेडिंग की सरकार, नरेंद्र मोदी की निरंकुश सरकार पिछले 15 से 20 दिनों से निरंतर डीजल और पेट्रोल के रेट में वृद्धि कर रही है, जिससे हमारा आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। बस वाले कैसे बस चलाएंगे, ट्रांसपोर्टर कैसे चलाएंगे, किराया भाड़ा बढ़ेगा, इस प्रकार और ज़्यादा आर्थिक मंदी बढ़ेगी। साथ ही साथ किसानी का समय आ गया, पूरा किसान परेशान है। उसी को लेकर आज युवक कांग्रेस के साथियों के साथ जिला कांग्रेस के आदेश पर आज ये साइकिल यात्रा निकाली और हम सब ने विरोध प्रदर्शन किया है। इसके पूर्व में भी बिजली के बिलों को लेकर और बच्चों की स्कूल की फीस को लेकर और आज डीजल पेट्रोल को लेकर ये आंदोलन किया है। हम फिर पुनः कहते हैं मध्य प्रदेश सरकार से, यदि डीजल के रेटों में बिजली के बिलों में कमी नहीं की तो दमोह जिले में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होगा, जिसका जिम्मेदार पूरा शासन और प्रशासन रहेगा। आज पूरे भारतवर्ष में मोदी सरकार ने जो पेट्रोल और डीजल के भारी रेट बढ़ा के रखे हैं, 21वें दिन तक इतना रेट बढ़ाया है, और ये तो विश्व में कभी ऐसा नहीं हुआ कि दिल्ली में पेट्रोल के रेट कम और डीजल के रेट ज़्यादा। और डीजल के रेट से सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है किसानों को, बोनी का काम लगा हुआ है, और वैसे ही पूरा देश कोरोना जैसे संकट से जूझ रहा है। आप देखिए, जब डीजल का रेट बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टिंग बढ़ेगी और महंगाई भी बढ़ेगी। आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे होकर विधायक जी प्रताप भैया, राहुल भैया, ऋषि भैया, हमारे गौरव जी और भाई सालूमन जी, मनु मिश्रा जी, कहने का मतलब ये पूरे हमारे विंग के लोग, युवक कांग्रेस के लोग, सेवा दल के लोग, सब लोग एकत्रित होकर इस बात का विरोध कर रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल के रेट में कमी लाई जाए। के आह्वान पर युवक कांग्रेस और समस्त विंग ने, हमारे राहुल भैया और समस्त विंग्स ने आज आंदोलन किया है। आज भारत 69% टैक्स वसूलने वाला, विश्व में सबसे ज़्यादा जो पेट्रोलियम उत्पाद पर टैक्स लग रहा है वो देश बन गया है। कोरोना महामारी में जहां जनता परेशान है, वहां लगातार डीजल पेट्रोल की वृद्धि की जा रही है। साथ ही आप देखेंगे विपक्ष, जो कल हमारे माननीय कमलनाथ जी का उन्होंने एक हास्यास्पद तरीके से पुतला जलाया, जो लगभग 8-10 साल पुरानी घटना थी, उसको अभी उन्हें होश आया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मुद्दे हैं, इनको भटकाने का काम केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है, और राज्य सरकार टोटल फेलुअर साबित हुई है। आप देखेंगे कि लगभग 4 माह की इस हॉर्स ट्रेडिंग की सरकार ने, खरीद फरोख्त की सरकार ने जनता के हित में एक भी काम नहीं किया है, चाहे वो किसानों के संबंध में हो, चाहे वो आम जनता के संबंध में हो। धन्यवाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पर
आज पूरे देश में जिस प्रकार 19-20 दिन से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और साथ में चीन के साथ जो लुका छिपी का खेल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने वक्तव्य में ये बोल रहे हैं कि हमारे देश में कहीं भी घुसपैठ नहीं हुई, उन्हीं के विदेश मंत्री बोलते हैं कि कई स्थानों पर गलवान घाटी में चीनी सैनिक आए। और आप बताइए यदि हमारे जब 20-20 जवान मारे गए शहीद हुए तो क्या वो लोग जब हमारी सीमा में उनकी सीमा हमारी सीमा में आ चुके थे तभी तो इन लोगों ने विरोध किया था। तो प्रधानमंत्री जी खुद अपने वक्तव्यों से जनता को पूरे देश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को देश को विश्वास में लेते हुए ये कदम उठाना चाहिए, समस्त पार्टियाँ समस्त जन नेता उनके साथ हैं, देश के प्रधानमंत्री के साथ होंगे। यदि ऐसे इस लड़ाई में जो चीन ने अंदर आया है उसके लिए सामूहिक आह्वान करें और सही वक्तव्य दें। साथ ही डीजल पेट्रोल के दामों में जो वृद्धि हुई है उसमें किसानों की रीढ़ टूटी है, छोटे व्यापारियों की ट्रांसपोर्ट रेट बढ़ेंगे तो इससे पूरा कृषक परेशान हो जाएगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी के राज में लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम आप देख रहे हैं 21 दिनों से बढ़ रहे हैं और सरकार के जो प्रवक्ता हैं वो एक तरफ भी ये कहते हैं कि हमारा इस पर कोई बस नहीं। आम जनता आज परेशान हो रही क्योंकि पेट्रोल और डीजल जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और उसकी कीमत बढ़ने से हर चीज़ पर असर होता है। आम जनता के हित में पेट्रोल और डीजल की मांग को कम करने को लेकर आज कांग्रेस का ये प्रदर्शन है। आप तुलना करेंगे UPA के समय में अगर 50 पैसे भी बढ़ते थे तो ये लोग सड़कों पर आ जाते थे। स्मृति ईरानी प्रधानमंत्री जी को मनमोहन सिंह जी को चूड़ियाँ भेंट करने की बात करती थी, आज वो कोई नेता आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे। आज इसीलिए कांग्रेस पार्टी जनता के हित में जनता की लड़ाई सड़कों पर लड़ रही है और आज हमने साइकिल यात्रा निकाल कर ये संदेश दिया कि वो पुराने युग में अगर इसी तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार जमी रही तो मजबूरी में लोगों को उस पुराने युग में जाने को मजबूर होना पड़ेगा। युवक कांग्रेस के आह्वान पर आज दमोह जिला युवक कांग्रेस के द्वारा बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के विरोध में आंदोलन किया गया। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि क्रूड ऑयल के रेट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सस्ते हैं। जब कांग्रेस का शासनकाल रहता था तब क्रूड ऑयल के रेट महंगे होने के बावजूद भी हमने इतना महंगा डीजल पेट्रोल नहीं बेचा, लेकिन क्रूड ऑयल के रेट आज सस्ते होने पर भी मोदी सरकार 50-50 रुपए बेड टैक्स उद्योगपतियों के लिए चंदा के तौर पर देती जा रही है। आज युवक कांग्रेस के आंदोलन पर आज ये विरोध किया गया है और हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द डीजल पेट्रोल के दाम कम किए जाएं, वरना युवक कांग्रेस बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए व्यवस्था रहेगी जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। शीघ्र अति शीघ्र मकान बेचना है आपके सपनों का आशियाना, जिसमें है दो शानदार बेडरूम, एक खूबसूरत हॉल, मॉड्यूलर किचन, कारपोर्च और डबल लेट बाथ बहुत ही कम कीमत में। संपर्क करें 9993762138 और 7999888। केंद्रीय मंत्री इसके बाद